वोट दिए हैं, इतने सालों से हम लोग वोट दे रहे हैं जिस भी पार्टी को, तो हमारे को आज क्यों हटा रहे हैं? अगर और आज हमें न्यूज़ में हम सुन रहे हैं और हम खुद इस बात को हैरान हो रहे हैं कि हमें रिफ्यूज़ी बताया जा रहा है, पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूज़ी बताया जा रहा है, जबकि मैं राजस्थान से हूँ। समरेश जंग थे, उनको 2 महीने का हिस्ट्री ऑर्डर मिला था, मोदी जी ने बहुत अवार्ड दिए थे, मोदी जी को बात बात हुआ तो उनको 2 महीने का हिस्ट्री ऑर्डर मिल गया, फिर भी नहीं रुका, कोई मुआवजा नहीं कुछ नहीं। खुल्ला से बोल रहा हूँ, दिए हैं पुलिस वाले को दिए हैं, हमने जिसको पुलिस वाले दिए हैं उसका मेरा फोटो भी है, जिसको पैसे मैंने दिए हैं। और बताइए, नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर, आप देख रहे हैं द वायर। अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली के विधानसभा के पास वाले एक इलाके में, जिसको कहते हैं खैबर पास। इस खैबर पास इलाके में एक आर्मी प्रेस करके जगह है, यहाँ पर कल रात को यानी रविवार रात को डिमोलिशन शुरू हुआ और यहाँ पे सैकड़ों घर डिमोलिश किए गए। अभी भी सोमवार दोपहर का वक्त आ गया है, लेकिन अभी भी डिमोलिशन चल रहा है, यानी कि फेजेस में यहाँ पर डिमोलिशन हो रहा है। अब मैं बता देता हूँ कि डिमोलिशन कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है। बता दें कि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनी थी, डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि अवैध बिल्डिंग्स थी और यहाँ पर एक्चुअली में उनकी मालकी की जगह है, ऐसा डिफेंस मिनिस्टर का कहना था। जिसके बाद यहाँ पर अर्बन मिनिस्ट्री के ज़रिए, LDO जो अर्बन मिनिस्ट्री का ऑफिस है, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस, उसके ज़रिए यहाँ पर सैकड़ों घर तोड़े जा रहे हैं। अभी आप मेरे पीछे देख सकते कितनी तबाही एक तरीके से मची है, और यहाँ पर हम कुछ देर पहले थे जब यहाँ पर एक डस्ट स्टॉर्म जैसा आया था, हालांकि वो डस्ट स्टॉर्म नहीं था, वो डस्ट उड़ रही थी बिकॉज़ यहाँ पर डिमोलिशन का एक हैवी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर बतानी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ के ये घर इलीगल है, इस पर हाईकोर्ट ने एक तरीके से मोहर लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्ट ने 29 सितंबर तक यानी कि लगभग 2 महीने तक का समय दिया था कि यहाँ के जो लोग हैं उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, उसको 2 महीने का समय दिया था कि उसके पहले आप डिमोलिशन की कार्रवाई ना करें। ये जो हाईकोर्ट का नोटिस था वो कल ही आया था, लेकिन उसके बावजूद कल रात को ये डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हुई और आज सुबह होते होते, दोपहर होते होते ये लगभग 70-80% ख़त्म भी हो चुकी है और धीरे धीरे और भी डिमोलिशंस इस सिलसिले में होंगे। तो यहाँ की एक और खासियत ये ऐसी बात है कि अभी आप सभी को पता होगा कि पेरिस में ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं और मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल एक साथ जीतकर एक हिस्टोरिक अचीवमेंट इंडिया के लिए हासिल की है। आपको जानने में हैरानी होगी कि मनु भाकर के जो कोच है वो भी यहाँ पर इस बिल्डिंग में उनका घर मौजूद था। समरेश जंग वो व्यक्ति है जो कि भारत की ओलंपिक विजेता, ब्रॉन्ज मेडल विजेता टीम पिस्टल टीम के कोच है और जैसे ही वो पेरिस से लौटे वो सीधे यहाँ पर आए और अपने घर के एविक्शन के बचाव में उन्होंने पिटीशन डाली। उनके पिटीशन के बावजूद आज उनका घर टूटने की कगार पर है या टूटा तोड़ा जा रहा है। तो आइए हम यहाँ के आम लोगों से ही सुनते हैं कि क्या कहना है, कितने सालों से यहाँ पर लोग रहते हैं, क्योंकि कई लोगों का ये कहना था कि 70-80 सालों से लोग घर इन फ्लैट्स में लोग रहते हैं। तो आइए सुनते हैं यहाँ के लोकल से ही कि क्या कहना है उनका। ये देखिए क्या लिखा हुआ, खैबर पास के 112 घरों में बुलडोजर चलाए की कार्रवाई पर कोर्ट की रोकी गई है, मतलब सितंबर तक रोक दिया है, रोकने के बावजूद दोबारा बुलडोजर, ना कोई मुआवजा, एक ईंट लगाने का पुलिस वाले पैसे लेते हैं, एक लेंटर लगाने के लिए पैसे लेते हैं, चाहे MCT विभाग हो या कोई भी विभाग हो, आप एक लेंटर डालिए सीधे 1 लाख रुपए मांगेंगे। यहाँ पे खुले से बोल रहे हैं, मतलब खुले से बोल रहा हूँ, दिए हैं पुलिस वाले को दिए हैं, हमने जिसको पुलिस वाले दिए हैं उसका मेरा फ़ोटो भी है, जिसको पैसे मैंने दिए हैं। और बताइए, MCD का राजेंद्र सिंह था, उसको पैसे दिए हैं, यहाँ का उन्होंने पैसे लेकर मकान बनवाया गया। ये क्लियर मान लीजिए, ये क्लियर आपका 29 सितंबर तक रोकने की बात हुई, हाँ। कल रात को कैसे हुआ, क्या हुआ यहाँ? अब मुझे नहीं पता, ये तो पुलिस वाले समझे या तो LNDO समझे, ये तो जबरदस्ती गैर कानूनी से तोड़ा जा रहा है। हम न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ओलंपियन भी रहते थे और रहते जंग साहब, हाँ, वो रहते हैं उधर पीछे, उनका नहीं अभी टूटा है, उनको भी 1-2 दिन का टाइम मिला, उनका भी टूटेगा।
वो बैक साइड में रहते हैं, या आगे से जाएंगे आप तो कोने पे उनके घर है। कभी उनसे मुलाकात हुई? हमारी तो होती रहती है, आप मुलाकात करें जाके। समरेश जंग थे, उनको 2 महीने का स्टे ऑर्डर मिला था, मोदी जी ने बहुत अवार्ड दिए थे, मोदी जी को बात बात हुआ तो उनको 2 महीने का स्टे ऑर्डर मिल गया, फिर भी नहीं रुका, कोई मुआवजा नहीं कुछ नहीं। तोड़ने के बाद फिर आगे की तरफ जाएंगे, मजनू टीला, चंद्रावली, ये सब लिस्ट में इनकी। क्यों तोड़ा जा रहा है इसको? ये तो हमें भी नहीं पता क्यों तोड़ा जा रहा है, इतने साल से रह रहे हैं भाई, इतना पता है, 55 साल की मेरी उम्र है, हम जब से रह रहे हैं यहाँ पर। और इसका क्या केस बना रहे हैं आपको, पहले हम उसके थोड़ा सा? नहीं, हमें कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं, बस यहाँ पर लगभग जैसे ये यहाँ पर तोड़ा इन्होंने, फिर आगे इन्होंने कुछ बताया नहीं हमारे को कि यहाँ पर जी आप यहाँ पे क्यों रह रहे हो, या ये अनऑथराइज है या क्या है, कुछ नहीं। बकायदा हाउस टैक्स पेड होता है यहाँ पर, बिजली के बिल जा रहे हैं, पानी के बिल जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। नोटिस कब मिला था सर? नोटिस तो अभी 2 दिन पहले नोटिस दिया और तोड़ना सर। उसके पहले हिस्ट्री में कभी? नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। और कोई कॉम्पनसेशन की बात करी है अभी? नहीं, कुछ नहीं, कोई जगह नहीं है किसी के पास, सब बेचारे ऐसे बैठे हुए। देखो बस ये है, पुलिस की हमारे को ये हेल्प मिल रही है कि हमारा सामान निकल रहा है, यही जो लोहा वो थोड़ा बहुत जो बिक जाएगा बस, यही, ये भी पुलिस की हेल्प से। लोहे के सिवा क्या बचा है? लोहा, दरवाजे, खिड़की, ये ले जाओ आप, यही बचा है। क्या सामान था आपका? सब कुछ था, सब कुछ था, इतना बड़ा मकान था, 3 मंजिला, सब कुछ था यहाँ पर, टीवी वगैरह? हाँ, सब कुछ था। तो कोई भी मतलब कीमती सामान बचा नहीं पाया? लैपटॉप नहीं, वो तो बचाया हमने, टीवी अपना निकाला, एसी निकाला, वो तो निकाल लिया, पर प्लस जैसे गेट हैं, खिड़कियाँ हैं, अलमारियाँ थी, वो सब चली। क्या कर रहे हैं यहाँ से? खाली कर रहे हैं, जगह देख रहे हैं कहीं रहने के लिए, कमरा लेते हैं तो किराया इतना महंगा मांगते हैं, 2-2, 3-3 महीने का एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, कहाँ से दे गरीब आदमी बताओ। अभी तो यहीं रह रहे हैं, अब जब तोड़ेंगे जब देखा जाएगा कहाँ जाएंगे। और मतलब कितने यहाँ पर परिवार पर नुकसान हुआ होगा? सब गरीब तबके के ही थे? सब गरीबी थे और बेचारे पेट काट के कट के थे, इतना अपना गुजारा बसारा करा था, मतलब उन्होंने अपना घोंसला बनाया था, अपना घर बनाया था, इतनी मेहनत करी, घर बनाया, अब देख लो जरा सी देर में तोड़ दिया। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत दुखी हैं इस टाइम पे, कोई खाना वाना नहीं खा पा रहा, कि लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पड़े हैं, खाना भी नसीब नहीं हो रहा, कि कहाँ जाएँ समझ नहीं आ रहा, बच्चों के स्कूल भी यहीं हैं और मतलब काम धंधा भी इधर ही है सब, कहाँ कैसे एडजस्ट होगा पता। और कुछ दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? इनके अभी तक तो पता नहीं है भैया, टॉयलेट की सुविधा या ऐसा कुछ किया जा रहा है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है भैया। कोर्ट वगैरह सब बिका हुआ, फिर क्या रहेगा? कोर्ट पे कोई विश्वास है ना? कानून पे विश्वास है ना कोर्ट पे विश्वास है, पब्लिक किस पे करेगा? पब्लिक से वोट ले, गरीबों से सिर्फ वोट लेने चाहते हैं ये लोग। वैसे कहते हैं ये लोग अवैध है, अवैध, अवैध है। अरे अवैध कहाँ से हो गए? सब इतने सालों से आप लोग वोट ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं,